प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद्यांश है यह दीप अकेला शीर्षक से अवतरित है, जो कि हम इस अज्ञेय के पद को पढ़ाते आ रहे हैं। इस पद में दीपक के जो दीपक होता है, दीपक को अकेला माना गया है, तो इसमें कवि व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हैं। कवि व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हैं इस पद के माध्यम से। तो देखो बच्चों, एक बार हम इस पद को पढ़ते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पै। यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पाए। यह अंकुर फोड़ धरा को, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत इसको भी शक्ति को दे दो। ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा, यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो देखो बच्चों, इसमें मधु का अर्थ शहद बताया है और मोना पिटारे को कहा गया, गौरस दूध दही को बताया गया है। कामधेनु होती है जो इच्छा पूर्ति करने वाली जो गाय होती है, देवताओं की गाय, उसको कामधेनु बताया गया है। और इसमें निर्भय का अर्थ होता है निडर, निर्भय का अर्थ निडर बताया गया है। स्वयंभू स्वयं ब्रह्मा को कहा गया है, स्वयंभू किसे कहा गया है, ब्रह्मा को। और देखो आयत का मतलब होता है 10,000 की संख्या। आयत का मतलब क्या होता है, 10,000 की संख्या। तो ये इसमें कठिन शब्दार्थ हैं। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। देखो ये मधु है स्वयं का काल की मोना का युग संचय। ये गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पाए। तो देखो ये जो प्रस्तुत अवतरण है अज्ञेय द्वारा रचित, ये दीप अकेला कविता से लिया गया है। इसमें जो कवि हैं अज्ञेय, वो व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हैं। देखो कवि अज्ञेय व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है, व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है और युगों के माधुर्य को संचित करके, मतलब इकट्ठा करके इस टोकरे में इसे स्थान मिला है। टोकरे में इसे स्थान मिला है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति, यह व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है और युगों का जो माधुर्य है उसको संचित करके इस टोकरे में उसे स्थान मिला है। ये मधुरता का जो टोकरा है जिसे समय के अनुभवों के बाद सींचा गया था, समय के अनुभवों के बाद सींचा गया, ये मानव प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। समय के अनुभवों से सींचा गया है और इसके गुणों की जो इच्छा पूर्ति करने वाली जो देवताओं की गाय है वो कामधेनु का दूध दही समझो। देवताओं की जो गाय है उसे आप क्या समझोगे, कामधेनु का दूध दही समझो। ये अमृत है, जो ये दूध दही है ये क्या है, ये अमृत है। अमृत तुल्य एक पवित्र, अमृत तुल्य पवित्र दूध है। ये वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़ करके उसमें से छिपी हुई जो संपदा होती है उस संपदा को निकाल करके विजय
विजयी मुद्रा में आकाश की ओर निहारता रहता है। ये अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्वय, ये प्रकृति संभो ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, ये दीप अकेला इसने बना। कवि कहते हैं कि ये वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फोड़ करके उसमें से छिपी हुई संपदा को निकाल करके विजय मुद्रा में आकाश की ओर निहारता है। ये मानव प्रकृति से उत्पन्न है, ये स्वयं ही पैदा हुआ है। स्वयं कौन? स्वयंभू। ये परम ब्रह्म परमेश्वर है, ये सर्वशक्तिमान है तथा ये सबसे अलग होकर भी समाज में असंबद्ध बना हुआ है। सबसे अलग होकर के भी समाज में ये असंबद्ध बना हुआ है। है गर्भ भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि समाज में शक्ति है, अतः शक्तिमान जो मनुष्य होता है उस शक्तिमान मनुष्य को भी समाज रूपी शक्ति को सौंप देना चाहिए। इसे समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो, अर्थात इसे समाज को सौंप दो, अर्पित कर दो, समाज की सुपुर्द कर दो। ये व्यक्ति गर्भ में, अपना जो गर्भ है उसमें मदमत्त है, शक्ति से युक्त है, ये इसे समाज में स्थान दे दो, क्योंकि समाज में स्थान देने से समूह में मिलकर यह दीप रूपी जो व्यक्ति है ये अधिक प्रकाश फैलाएगा, समाज को निखारेगा, समाज का उज्जवल भविष्य उज्जवल करेगा। कवि कहते हैं कि ये जो ये शब्द हैं ये मनुष्य के लिए आया है। मनुष्य दीपक का जो रूप बताया है वो मनुष्य को बताया गया है, और पंक्ति एक समाज का बताया है। इसमें भाषा है जो वे तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त है, और मानव को प्रकृत संभो ब्रह्मा कहकर के उसकी जो शक्ति है उस अपार शक्ति का वर्णन किया गया है। देखो बच्चों, ये अगला पद है, इसको हम पढ़ते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लगता में भी कांपा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लगता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, यह पीड़ा उसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुछ सा अपमान अवज्ञा की धुंधुआते कड़वे तम में, कुछ सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहू ये चिर अखंड अपनापा, उलंब बाहु ये चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी पंक्ति को दे दो, ये दीप अकेला इसने भरा है गर्भ भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा नेक्स्ट पद है, इस पद में कवि ने मनुष्य के जो गुण होते हैं उन गुणों का बखान किया है। कवि यज्ञ ने मनुष्य के गुणों का बखान किया है, बखान उनको लोगों के सामने जाहिर किया है, लोगों के सामने जाहिर किया है, उनका बखान किया है। तो देखो, इस पद में कवि यज्ञ बताते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना पूर्ण विश्वास है कि ये वहां भी अपने गंतव्य से नहीं हटता है। मनुष्य को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वहां भी अपने गंतव्य से नहीं हटता है। ये वह विश्वास नहीं जो अपनी लगता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा।
कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए अपने ऊपर इतना पूर्ण विश्वास है कि ये वहां भी अपने गंतव्य से नहीं हटता है, जहां इसे अपनी लघुता अर्थात कमी या अभाव को अभाव का भी अभाव जहां भी उन्हें प्राप्त होता है मिलता है, जहां उन्हें अपनी कमी दिखाई देती है, अपनी लघुता दिखाई देती है, वह अपनी गंतव्य से नहीं हटता है। कवि कहते हैं कि यह अपने अभावों को जानते हुए भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है, और असफल होते होते एक दिन सफलता के शिखर को भी छू लेता है। ये असफल होते हुए भी एक दिन सफलता के शिखर को छू लेता है। कुछ सा अपमान अवज्ञा के दुनियाते कड़वे तम में ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु ये चिर अखंड अपनाता जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भी पंक्ति को दे। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ते समय जिन कष्टों को झेलता है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते समय जिन कष्टों को झेलता है उसे वे स्वयं ही जानता है। इसकी कोई निंदा करे या कोई इससे घृणा करे, इसे अपने कार्य से अपमानित करे या इसकी अवहेलना करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, कुछ भी करे, इन सारी परेशानियों के बीच भी ये हमेशा समाज के दुखों से दुखी होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। मनुष्य समाज के लक्ष्यों को देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, चाहे इसके लिए कितना भी दुख, अपमान, घृणा, कुछ भी सहन करनी पड़े मनुष्य के लिए। ये अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहता है तथा इसके नेत्रों में सदैव प्रेम टपकता रहता है। ये मनुष्य अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके हमेशा सबको सतत अपनाने के लिए तैयार रहता है। वह जो व्यक्ति है वह नवीन जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक बना रहता है। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, वह श्रद्धालु है, श्रद्धावान है। कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मधमाता इसको भी पंक्ति को दे। कवि कहते हैं कि यह दीपक अर्थात मानव इसने ये प्रेम से भरा हुआ है, वह अपनी पूर्ति के लिए कारण गर्व से युक्त होकर के मदमस्त होता रहता है। कवि कहते हैं कि उसे पंक्तिबद्ध कर दो, शक्ति संपन्न मानव को समाज से जोड़ दो। जो व्यक्ति शक्ति संपन्न है उसे समाज से जोड़ दो, क्योंकि वह समाज के लिए भी लाभकारी होगा और स्वयं के लिए भी। जब व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति और भी ज्यादा अधिक हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य की उदारता, महानता, ये मानव की संघर्षमय शक्ति की व्यापकता, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। जो मनुष्य की उदारता, महानता, संघर्षशीलता, ये इसमें इस कविता के अंदर उल्लेख किया गया है और प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है कि यह समस्त उदात्त गुणों का समूह मानव को बताया गया है। इसमें देखो तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चा ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।